إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. बड़े अदब से सबों को सलाम करता हूँ। खुमार चीख से उतरा नहीं है आंखों से, मगर ये रात की जलसे के नाम करता हूँ। इंसानों का ये उभरता हुआ समंदर और इस खूबसूरत महफिल में आपके इलाके के वजीर आला के प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा जी का जो अभी भाषण हुआ, और उस भाषण में जो एक तरह का इमोशन था, मैं एक लिटरेचर का आदमी हूं, पिछले 14 साल से न्यूज़पेपर के लिए कॉलम लिख रहा हूं। कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेखक की निगाहें बड़ी गहरी होती हैं और कौन सी बात कहां से निकल रही है उसको वो बड़ी शिद्दत से महसूस करता है। मैंने अपने 12-14 साल दावती जिंदगी में और रिश्तेदों पर घूमते हुए मैंने गुजार दिए, मशरक से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक। इस तरह के बहुत सारे लाखों के मजमे देखे। गांव के बाद की सरजमीन से उठकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक आपका भाई खड़ा हुआ। लेकिन बहुत सारे नेतागण को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों के भाषण मैंने सुने। बिहार से मेरा ताल्लुक है तो बड़े बड़े वो नेता जो मुस्लिम चेहरा है और बड़ी पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है। लेकिन अभी पंकज मिश्रा जी, मैं सिर्फ मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए ये बात नहीं कर रहा, इसलिए कि मुझे पता है कि मेरे शब्द कितने कीमती हैं और मेरे अल्फाज का कितना भरम रखा जा सकता है। उनको महसूस है, मैंने आप सोचिए इस बात को थोड़ी देर के लिए कि जिस आदमी की फैमिली में लाश पड़ी हुई हो, एक तरफ लाश, दूसरी तरफ ये बेपनाह मोहब्बतों का जो उभरता हुआ जो ये समंदर है, इस कौम और इस इलाके की निगाह और इतने बड़े लोगों का मजमा, उस गम और मुसीबत के माहौल में कोई शख्स, एक ऐसा शख्स जो आपके धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि धर्म की के नाम पे टिकट बांधने वाले और धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरतों की दीवार खड़े करने वाले सरफिरे लोग हिंदुस्तान की अलग अलग गलियों में कम नहीं घूम रहे हैं। ऐसे में जब मैं पंडित मिश्रा जैसे लोगों को देखता हूं जो अपने घर में अपने भाई की लाश निगाहों के सामने और दूसरी जानिब कौम के बच्चे और बच्चियों के लिए जज्बा कलेजे में इतना मुजज्जन कि इतनी कीमती बातें इन्होंने रखी, अल्लाह गवाह है इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर जमीन हत्तर चटी ये शब्द गलत नहीं बोल रहा है। मैं जब ये बोल रहे थे मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे लगता है कि ये लम्हा मुझे बार बार मेरी आंखों में आंसू को तैरने पर मजबूर करेगा कि साहब जब ऐसे लोगों को देखता हूं तब लगता है कि हिंदुस्तान मेरा कितना खूबसूरत है। किसी ने कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। जब मैं ये मिसरे का आखिरी मिसरा कहूंगा तो लगना चाहिए कि आपके दिल में दस्तक दी गई है और आपने समझा है और आपकी तालियों का शोर बचाएगा कि हिंदू और मुस्लिम के इत्तेहाद को आप कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं। किसी शायर ने कहा जब ऐसे लोगों को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये लोग बहुत कीमती है, बहुत आनंद है, पैसा तो आता जाता रहता है लेकिन शख्सियतें आती जाती नहीं रहती है। अगर आपके क्षेत्र में अगर ऐसा इंसान आपको मिला है जितनी मोहब्बतों से उन्होंने पैसे का घोषणा किया है और बार बार उन्होंने रकम दी है, उससे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किसी शायर ने कहा था कि अपने मेहमानों को पलकों पे बैठा लेती है, अपने मेहमानों को पलकों में बैठा लेती है। मुफलिसी जानती है घर में बिछौना कम है। सेकुलर मुल्क के अंदर ऐसे लोग मैं जब देखता हूं तो शायद नजरें अकीदत से झुक जाती है, दिल से दुआ निकलती है, शायद इसीलिए लगता है कि हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी कहा था कि ये जो इंसानों का सैलाब बना रहा है, ये जो इंसानों का सैलाब बना रहा है, इसको
ये जो हीर हलकत थी ये बेपनाह हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूं साहब, उम्मीद अली अंसारी साहब, प्रोफेसर हाकिम साहब और दीगर जिम्मेदारों को आइए और एक छोटे से कम फहम और कम दिमाग आदमी का एक मशवरा भी लेते जाइए। जब ऐसे लोगों का अगर सहयोग हो तो मुझे लगता है कि इस इलाके में सुपर 30 की तरह आईएएस और आईपीएस अफसर बनाने के लिए बच्चों का इंटरेस्ट लेकर के बाजार तक 20-25-30 बच्चों का कोटा रख करके इन लोगों के सहयोग से इस इलाके में बाजार का ऐसा मिशन चलाया जा सकता है कि आप 20-30 बच्चों का कोटा रखिए, 7-2 साल में एक एग्जाम लीजिए, जो बच्चे पास करें टॉप करें उनको आईएएस बनाइए, आईपीएस अफसर बनाइए। तो मुझे लगता है कि वक्त आएगा, उन्होंने कहा कि मेडिकल में मैं बच्चों को देखूंगा, आईएएस अफसर बनता हुआ देखूंगा, तब मेरा सीना चौड़ा होगा। और सच्ची बात यह है कि साहब, सवाल यह नहीं पैदा होता है कि आपने बिल्डिंगें कितनी बना दी है, सवाल यह नहीं पैदा होता है कि इदारे की इमारत कितनी चौड़ करी है, सवाल यह पैदा होता है कि आपने कौम के बच्चों को कितना सवाल है। अगर आपने मिलजुल करके 500 के भीड़ में अगर एक भी आईएएस अफसर पैदा कर दिया तो हिंदुस्तान में आपकी आवाज को मजबूत करने के लिए एक आईएएस अफसर काफी होगा। इसलिए इस सिस्टम में सिस्टम की आंखों में आपके दाल कर बात करने के लिए आदमी का शिक्षित होना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। और एजुकेशन ने तो हमने एक रस्मी तौर पर ले लिया। आइए मैं चार मिश्रा जी एजुकेशन के हवाले से पढ़ता हूं और पंकज मिश्रा जी की खुसूसी दुआएं चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। मैंने पढ़ा भी है लेकिन ये मिश्रा चुके इनके सामने पढ़ रहा हूं। और मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको बार बार दोहराओ तो फिर भी तबीयत भरती नहीं, इसलिए मैं पैगाम हूं सभी लोगों की मौजूदगी में। मेरा वक्त अगर थोड़ा ज्यादा ले लिया तो उसके लिए माजरत, बस 1-2 मिनट में मेरा काम खत्म हो जाएगा। ये जज्बात थे मेरे, मैं दूर से आया हूँ, उलमाए कराम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मेरा भी कुछ फर्ज था कि मैं उनके हुजूर कुछ बातें रखूंगा, ऐसा फरमाइएगा। चाहे कुछ भी कहे ये जमा शुक्रिया। मेरा काम यहां से खत्म होता है, पूरी रात आपकी खिदमत से हाजिर हूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।